तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक के बारे में। जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी हमको जो ये स्टॉक है लगातार यहाँ पर इसे रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम अगर यहाँ पर स्टॉक में देखें तो हम देखेंगे हमको यहाँ पर स्टॉक में एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर यहाँ पर स्टॉक अपने इस पैटर्न को ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज तो फिलहाल हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.65% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हम स्टॉक में बात करें अगर यहाँ से स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू रही तो यहाँ से अभी और गिरावट के कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 261 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक ने यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 247, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 225, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 225 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नेक्स्ट आप सपोर्ट वहीं यहाँ से। अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 268 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 289, और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 307, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 300, और यहाँ पर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से स्टॉक में 361, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 378 तक के लेवल्स में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सिला नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।